हेलो रिवन, कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, आर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन ऑन द राइज। तो क्या वुमेन के अगेंस्ट क्राइम अभी भी बढ़ रहा है? तो चलिए देखते हैं। द क्राइम रेट मे हैव डिक्लाइंड इन 2022 258.1 पर लैक पॉपुलेशन कंपेयर टू 268 पर लैक पॉपुलेशन इन 2021। तो आप देखिए, कम से कम 10 का अंतर आया है, 10 वुमेन का पर लैक पॉपुलेशन में। मतलब अभी 1 लाख पॉपुलेशन में 258 वुमेन्स जो है उनके अगेंस्ट क्राइम होता है 22 में। पहले 268 के अगेंस्ट क्राइम होता था, बट क्राइम अगेंस्ट वुमेन रोज 4% इन 2022 कंपेयर टू 2021 अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB रिलीज्ड ऑन December 4। वॉट वॉज द नेचर ऑफ द मेजोरिटी ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन? तो इसमें पूछा जा रहा है नेचर कैसा है जैसा क्राइम हो रहा है। तो देखिए, द मेजोरिटी ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन वर क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स, किडनैपिंग एंड एबडक्शन ऑफ वुमेन, असॉल्ट ऑन वुमेन, इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी, रेप। फर्दर 13,479 केसेस वर रजिस्टर्ड अंडर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। तो आप देखिए, हस्बैंड और उनके रिलेटिव्स जो क्राइम कर रहे हैं वो हो रहा है 31.4%, किडनैपिंग हो रहा है 19.2%, असॉल्ट टू आउटरेज हर मोडेस्टी ये आपके 18.7%, रेप 7.1%, और प्लस डाउरी के लिए भी आपके अगर वुमेन के ऊपर क्राइम किया जा रहा है। एक्टिविस्ट एंड लॉयर्स एट्रीब्यूट दिस टू अ पैट्रियार्कल सोसाइटी। तो ये पैट्रियार्कल सोसाइटी, इसको एक्टिविस्ट और लॉयर बोल रहे हैं। डिस्पाइट हाई लेवल ऑफ एजुकेशन, मेल माइंड सेट्स एंड सोसाइटल एटीट्यूड रिमेन अनचेंज, से सुप्रीम कोर्ट लॉयर शिल्पी जैन। अकॉर्डिंग टू वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट मरियम धावले, इंडिया ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स हैज विटनेस्ड अ स्ट्रेंथनिंग ऑफ रिग्रेसिव वैल्यू सिस्टम विच वुमेन्स मूवमेंट हैड स्ट्रगल टू ओवरकम फॉर डिकेड। दिस इज ग्लोरिफिकेशन ऑफ एंटी वुमेन प्रैक्टिस, शी पॉइंट्स आउट। अकॉर्डिंग टू जयश्री वेलंकर, डायरेक्टर ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जगोरी, डाउरी और ब्राइड प्राइस बोथ कनोट कमोडिटी स्टेटस ऑफ वुमेन हु आर ट्रेडेड बिटवीन फैमिलीज और देयर प्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव लेबर। वॉट वी नीड इज अ स्ट्रॉन्ग पोलिटिकल विल एंड नॉट मेयर रिटोरिक टू ब्रिंग अ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स दैट विल फोकस ऑन क्रिएटिंग कंडीशन टू एलिवेट वुमेन स्टेटस। अच्छा, अभी पॉलिटिकल व्यू और अच्छे से चाहिए, स्ट्रांग पॉलिटिकल विल चाहिए, जो ऐसे पॉलिसीज ले आए जो वुमेन को अपलिफ्ट करे सोसाइटी में। ओके, व्हाट डज एन इंक्रीज इन रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन इंडिकेट? ये जो क्राइम रजिस्टर हो रहा है वो इंक्रीज हो गया है, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है? द NCRB रिपोर्ट रिवील्स दैट ओवर 4.45 लाख क्राइम्स ऑफ केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन were registered in 2022, equivalent to nearly 51 FIRs, first information report every hour. तो 51 FIR होते हैं हर घंटे। The rate of crime against women per lakh population stood at 66, while the filing charges charge sheets in such cases were pegged at 75.8. The high crime rate is indicator of a persistent lower status and inequality faced by women and girls, says Ms. Velankar. Women and girls continue to be treated as a permanent shock absorber across class, caste, other axes. It is an outcome of reconstruction of patriarchy in a neoliberal economy era, she says. According to Ms. Jain, the increase in crime against women shows the attitude of Indian society towards women. We claim to be very progressive, but we are very primitive. इन्होंने बोला कि हम प्रोग्रेसिव का क्लेम करते हैं पर हम प्रिमिटिव हैं। तो सही भी है। अब कौन है भाई, वुमेन के साथ ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं तो हम कहाँ से प्रोग्रेसिव हैं? द राइज कैन ऑल्सो बी एट्रीब्यूटेड टू फैक्ट दैट दो इंडिया टफ लॉ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, देयर इम्प्लीमेंटेशन रिमेन अ चैलेंज। तो लॉ तो है पर इम्प्लीमेंटेशन फिर से चैलेंज है। रिटायर्ड IPS ऑफिसर मीरान चड्डा स्ट्राइक्स अ नोट ऑफ कॉशन, द NCRB रिपोर्ट्स मेनली शोज डेट वुमेन फील कॉन्फिडेंट टू अप्रोच द पुलिस and get criminal cases registered. She points out, increase in numbers according to her should not be equated with increase in crime. Take the case of Delhi. With 14,247 cases in 2022, Delhi recorded the highest rate of crime against women in the country.
at 144.4 per lakh, way above than country's average rate 66.4. Expert believe that the higher number shows that more cases are being registered in Delhi. In contrast, in many other part of India, the registration of crime is low and the fear of police is high, says Vipul Mudgal of Common Cause India, an NGO. तो यहाँ पे इनका कहने का ये मतलब है, जो केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, आप देखिए जो केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, इसका मतलब वुमेन जाके रजिस्टर करवा रही है। तो दिल्ली में तो ये 144.4 पर लैक रहा है, पर इंडिया का एवरेज 66.4 है। इसका सिंपल सा मतलब इनका कहने का ये है, दिल्ली में रजिस्टर हो रहे हैं तो ज़्यादा है, कहीं और रजिस्टर भी नहीं हो रहे तो वो हमें कम लग रहा है, पर वहाँ वहाँ भी ज़्यादा है। तो मतलब लोग अभी रजिस्टर भी नहीं करवा रहे वुमेन्स अच्छे से। Women in many states, particularly in rural areas, would not even visit a police station accompanied by a male relative, let alone register an FIR for sexual harassment or domestic violence, he says. इन्होंने बोला कि कई स्टेट्स में जो है वुमेन अकेले जा भी नहीं सकती पुलिस स्टेशन, उनके साथ एक मेल रिलेटिव होना चाहिए ताकि वो FIR वहाँ पर लॉन्च करवाए। मिस बोरवांकर feels that women in capital are aware of their rights and therefore approach police station more freely than the hinterland. तो यही चीज़, इसलिए यहाँ पे केसेस ज़्यादा रजिस्टर हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वुमेन अपने राइट्स, वुमेन को अपने राइट्स पता है तो वो तुरंत पुलिस स्टेशन चली जाती है। एट द सेम टाइम आई एम अवेयर दैट द कैपिटल एंड मोस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया इज नॉट कंसिडर्ड सेफ फॉर वुमेन, स्पेशली एट नाइट। तो इसीलिए नाइट पे वो कंसिडर करती है कि कैपिटल और मोस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया औरतों के लिए रात को सेफ नहीं माना जाता। What are the key laws for women safety? Key laws क्या है? Some of the key laws for women safety in India are the Immortal Traffic Prevention Act 1956, the Dowry Prohibition Act 1961, the Commission of Sati Prevention Act 1987, Prevention of Women from Domestic Violence Act 2005, the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention Prohibition and Redressal Act 2013, the Incident Representation of Women Prohibition Act 1986. Expert says that implementation faces dual problem of shoddy investigation by police and time taken by court to deliver justice. The laws are good and were so even earlier. The problem is with policing. Policing is a problem, says Mrs. Jain. There is severe lack of police officer with requisite training for investigation. Most of the investigating officers are junior with a poor pay scale. This hamper the actual investigation and preparation for charge sheets. She points out. तो इन्होंने बोला है कि जो वहाँ पे ऑफिसर अपॉइंट होते हैं वो पुअर पे स्केल के होते हैं, तो उनका अपना इतना इंटरेस्ट होता नहीं है। When it reaches the court, a trial court, which are the first step, the case takes 4 to 5 years. If there is an appeal, it takes another 10 to 15 years. Despite fast track courts for looking into grievous crime, the fact is they remain as slow as ever. There is no seriousness in dealing with the crime. So, इन्होंने बोला कोर्ट का प्रोसीजरल भी जो प्रोसेस है बहुत स्लो है। Another factor according to Ms. Mugdal is that while women police officers are involved in crime against women, their proportion in force is dismal and the rate of their requirement is very slow in all states without exception. This also caused disproportionate level of workload on women police personnel, leading to slower rate of charge sheeting and convictions. According to response provided by the Ministry of Home Affairs in Raj Sabha in February 23, the representation of women in police force as of January 1, 2022 remained at 11.7% of the total state police force. This puts undue stress on the limited workforce, leading to high dependency, experts point out. तो इसमें देखिए कुछ चीज़ें हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीज़ जरूरी है हमें लिख लेना है। सबसे पहले NCERB का डेटा आया है, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट है ये, और इसमें क्या बताया गया है 2021 और 2022 में कंपेयर किया गया है। इसमें क्राइम था 268 पर लैख और यहाँ पे 258.1 पर लैख, तो ये तो हम लोग देख रहे हैं कम हुआ है, ठीक है। बट क्राइम अगेंस्ट वुमेन रोज, बट क्राइम रोज
4%, ठीक है, अगेंस्ट वुमेन की बात हो रही है यहाँ पे पूरे आर्टिकल में। अब देखिए ये देखिए, हस्बैंड उनके रिलेटिव परेशान कर रही है, अबडक्शन ऑफ वुमेन इतना, रेप इतना, इनके मॉडेस्ट्री का आउटरेज इतना, और डाउरी के लिए इतने केसेस। तो ये तो हमारे पास आ गया डेटा। तो अगर हम लोग देखें तो कौन, हु डज क्राइम, पहला हस्बैंड एंड रिलेटिव, ठीक है, सेकंड डाउरी के लिए, थर्ड आप देखिए किडनैपिंग, उसके बाद फोर्थ आप देखिए रेप। अब आप देखिए ये 31% इसको मान लीजिए, डाउरी को आप 13,000 इसको मान लीजिए, 13,500 केसेस मान लीजिए, किडनैपिंग आप मानिए आपका है कितना, 19.2%, रेप है 7.1%, ऐसे ऐसे मान लेना हमें। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट और इन सब ने, एक्टिविस्ट और लॉयर ने क्या एक बात बोली है कि ये पेट्रियार्कल सोसाइटी दिखाता है, ठीक है, और ठीक है, स्ट्रगल ओवर आउटकम, हमें क्या चाहिए, एक स्ट्रांग पॉलिटिकल विल चाहिए जो ले आए ऐसी पॉलिसी जो वुमेन स्टेटस को अपलिफ्ट करे। एनसीआरबी के रिपोर्ट ने क्या रिवील किया है, 4.4 लाख केसेस अगेंस्ट वुमेन वर रजिस्टर्ड, इतना 51 FIR हर घंटे होते हैं, 51 FIR पर आवर, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन पर लैक पॉपुलेशन स्टूड एट इतना, ये नेशनल एवरेज है, ठीक है, अपना नेशनल एवरेज कितना है, 66.4 पर लैक क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ये अपना नेशनल एवरेज है। और सेम चीज़ दिल्ली में कितना है, 144.4 है पर लैक, ये चीज़ आ गया आपका दिल्ली का। तो यहाँ पे बात हो रही है कि दिल्ली में कैसे ज़्यादा है, तो दिल्ली में ज़्यादा इसलिए है क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं दे आर अवेयर, वुमेन आर अवेयर अबाउट इट, इसलिए वो लोग जा डायरेक्ट जाके पुलिस स्टेशन करवा लेती है। तो नेशनल एवरेज कम क्यों है, तो क्राइम नहीं हो रहा है, इसका मतलब नेशनल एवरेज कम है तो क्राइम भी कम है, नहीं, यहाँ पे रजिस्टर नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, रजिस्टर नहीं हो रहा है, क्राइम तो ज़्यादा है ही आपका। अब आप देखिए कुछ सेफ्टी लॉज बताए, इमोर्टल ट्रैफिक लॉ, ड्रग प्रोहिबिशन, कमीशन ऑफ सती, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरेसमेंट लॉ, प्रिवेंशन वर्क प्लेस आपका हो गया, इंसिडेंट रिप्रेजेंटेशन हो गया, और इसमें ड्यूअल प्रॉब्लम आते हैं, किस चीज़ का, एक तो पुलिसिंग की प्रॉब्लम है, ड्यूअल प्रॉब्लम में एक पुलिसिंग है, एक इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, और उसके बाद से हम लोग देखें तो स्लो कोर्ट जस्टिस, मतलब स्लो स्लो कोर्ट ट्रायल्स आप लिख लीजिए, मतलब कोर्ट ट्रायल्स जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है पर फिर भी ये अच्छे से काम नहीं कर रहे, 4-5 साल तो लगते ही है, पर अगर उसमें से वापस से किसी ने, 4 to 5 years तो लगते ही हैं, पर अगर किसी ने अपील कर दिया तो 10 to 15 years आराम से लग जाएंगे। तो इसमें साफ बोला गया, देर इज नो सीरियसनेस इन डीलिंग विद दी क्राइम। तो आप देखिए ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो ये सारे एक्ट हमें मैंशन करने ही हैं, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस आर्टिकल का। और क्या है, ये बताया गया है कि औरत अकेले जा ही नहीं पाती, केस रजिस्टर करने, FIR रजिस्टर करने, किसी ना किसी के साथ उसको जाना पड़ता है, ठीक है, और वुमेन गर्ल को यहाँ पे कंटिन्यू किया जा रहा है परमानेंट शॉक एब्जॉर्बर से, ठीक है, पेट्रियार्की है यहाँ पे, पेट्रियार्की काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो क्लेम कर रही है कि हम क्लेम तो करते हैं कि प्रोग्रेसिव है, पर हम वहीं पे बहुत प्रिमिटिव है, इंडियंस की बात हो रही है यहाँ पे, तो गलत है भी नहीं, आप गलत कर रहे हो तो आप गाली तो सुनोगी। तो इस आर्टिकल में बस इतनी चीज़ें थी हमारे लिए जानने का, ये सारे कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने चाहिए, एंड बस इतना ही था। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।